हाँ जी नमस्कार दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर बनने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि कौन कौन अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर बन सकता है, यानी क्या आप अप्लाई कर सकते हैं अपना फॉर्म, यस और नो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इस वीडियो के अंदर पूरी सटीक जानकारी आपको देने वाला हूँ। दो ही चीज़ें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे ये जानने के लिए। पहली चीज़ सबसे जो चीज है आपके लिए कि आपका एज लिमिट्स क्या होने वाला है, सेकेंडरी आपका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, ये दो चीजें डिसाइड करेंगे कि आप अग्निपथ स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें पुराना जो एग्जाम पैटर्न था उससे सिमिलर रखी गई हैं, बस कुछ चीजें बदलाव करी गई हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, आपका एज लिमिट्स क्या होना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख 29 दिसंबर सन 1999 से लेकर 29 जून 2005 इन दोनों तारीख के बीच में है या इन दोनों डेट्स भी शामिल है, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट के बीच में है तो आप इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और अगर नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर आप 12th क्लास अपेयरिंग हो तो बिल्कुल भी नहीं भर सकते। 12th पास आउट जो कैडेट्स हैं वही इसका फॉर्म भर सकते हैं, जैसा कि पहले भी हुआ करता था। आप अगर एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 12वीं कक्षा PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से पास किया हो। अगर किसी बच्चे के पास एडिशनल है फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो वो भी अप्लाई कर सकता है। आपका PCM के अंदर 50% मार्क्स होना जरूरी है, जबकि इंग्लिश में भी 50% मार्क्स आपका होना जरूरी है, नेसेसरी है। अगर कोई बच्चा वाई ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहता है तो आपने 12वीं क्लास पास करी हो, बस किसी भी स्ट्रीम से हो फर्क नहीं पड़ता, आपकी एज लिमिट हो, आपने 12th पास करी हो। अगर आपने आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी से भी पास करी है तो आप वाई ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हो, बस आपका ओवरऑल 50%, जबकि इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए। और साफ साफ वहां पर कहा गया है कि अगर आपका 49.99 भी है तो भी अप्लाई नहीं कर सकते, पूरा 50 होना जरूरी है, नेसेसरी है। तो साफ सुथरी भाषा में अगर कहूं, अगर आपका एज लिमिट्स यानी 29 दिसंबर 1999 से लेकर 29 जून 2005 के बीच में या ये दोनों डेट्स हैं तो फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप 12th क्लास पास आउट है तो फॉर्म भर सकते हैं, ना तो 10वीं वाला, ना 11वीं वाला, ना 12वीं अपेयरिंग, कोई नहीं भर सकता। 12th पास होना बेहद ही जरूरी है। और दूसरी बात, साइंस वाला भरेगा एक्स ग्रुप के लिए, PCM वाला एक्स ग्रुप के लिए, और जो अदर सब्जेक्ट्स के हैं वो सभी वाई ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, अग्निवीर बनने की एग्जाम 24 जुलाई को होने वाली है। अगर तैयारी करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, पूरी जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। स्टडी मटेरियल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है द योद्धा अकेडमी का टेलीग्राम चैनल, तो सब्सक्राइब करके फिर साथ जुड़ जाते हैं और साथ जुड़कर तैयारी करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।